Paramita, and you are watching Paramita's Delight. So first of all, welcome to PURI, because अभी मैं आ गई हूँ PURI. जैसे मैंने बोला था कि मैं वैकेशन पर निकलने वाली हूँ, तो मेरा वैकेशन स्टार्ट हो गया है फुल ऑन. कल हम हैदराबाद से निकले ट्रेन में, एंड आज हम PURI पहुँच गए हैं. पहले हमारा इनिशियल में जब हम प्लानिंग कर रहे थे, तब हमारा यही था कि हम डायरेक्ट कोलकाता जाएंगे, लेकिन फाइनली फिर हमने डिसाइड किया कि हम PURI भी आएंगे. तो PURI में आ चुकी हूँ, और हम एक्चुअली भुवनेश्वर आए थे, एंड देन भुवनेश्वर से हमने बस लिया. वहाँ से बसेस चलती रहती हैं, जस्ट रेलवे स्टेशन के पास में ही बस स्टैंड है, वहाँ से हमने बस लिया. एंड मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में जितना कवर कर पाऊँगी उतना तो मैं कवर करती जाऊँगी ट्रिप में, और जो चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाऊँगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. और अगर आप लोग नहीं भी बताओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो इन्फॉर्मेशन देने की माता हूँ ही. तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग सा ब्लॉग प्रिपेयर करूँगी जिसमें मैं PURI रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊँगी. बट अभी के लिए मैं ये बता देती हूँ आपको, PURI से वहाँ बगल में ही कैंटीन, मास्टर कैंटीन नाम का बस स्टेशन है, वहाँ से आपको बस स्टॉप है. वहाँ से आपको दो तरीके की बस मिलेंगी. एक मिलेगा आपको PURI के लिए बस, जो कि आपका कॉस्ट है एसी बस, जिसका प्राइस है 100 रुपीज़ एंड पर पर्सन, एंड आपको जो नॉर्मल बस मिलेगा वो 70 मिलेगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड टेक द 70 100 रुपीज़, बिकॉज ओनली 30 रुपीज़ का डिफरेंस है. तो हमने तो एसी में आना प्रेफर किया, बिकॉज वेदर यहाँ में सन जो है वो बिल्कुल लो है, डाउन है, बट देयर इज़ अ लॉट मच ह्यूमिडिटी, जो चीज़ की जो कि हैदराबाद में नहीं है. हैदराबाद में हमें हीट लगता है बट ह्यूमिडिटी नहीं होता है, और वहाँ पे इतना ज़्यादा पसीना नहीं निकलता है. बट यहाँ स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज बहुत ह्यूमिड वेदर है, बिकॉज ऑफ सी, एज यू ऑल गाइज नो. सो या, और अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, एंड कंपैरेटिवली भुवनेश्वर से यहाँ का वेदर थोड़ा सही है, एंड इट्स अराउंड 4 o'clock, और अभी हम जा रहे हैं जगन्नाथ PURI के दर्शन के लिए. हम सोच रहे हैं ऐसा कि हम आज शाम को ही आ गए हैं, तो एक बार हम आज शाम को दर्शन कर लेते हैं, और एक बार हम कल सुबह दर्शन कर लेंगे. अभी कुछ फिक्स नहीं है, अभी कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है. मे बी विल गो एंड विल चेक कि हम अभी दर्शन कर सकते हैं या नहीं. अगर हम कर सकते हैं तो हम कर लेंगे. और एक बात, हमें बहुत तेज़ भूख लग गई है. हम सबसे पहले होटल में मैं आई, और मैं अच्छे से नहा वहा के तैयार हो गई. बिल्कुल मैं जितना घूमी हूँ ना, और जितना ह्यूमिड यहाँ का वेदर है ना, और जैसी मेरी शक्ल बन गई थी, वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकती थी कैमरे के सामने, तो मैं पूरा रेडी होके यहाँ पे आई हूँ. और या अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी मेरे होटल का. मैं रुकी हूँ व्हाट द नेम ऑफ द प्लेस, नो नो नो, आई नो द नेम ऑफ द होटल, द नेम ऑफ द प्लेस, बाली साही समथिंग. आई एम नॉट कन्फर्म, इफ़ यू कैन सर्च इन द booking.com. तो booking.com से मैंने बुकिंग कर लिया था, और ये AC होटल है, एंड द होटल नेम इज़ नर्मदा भवन. एंड ये होटल बीच से पास है कि नहीं तो मुझे चेक करना पड़ेगा, बट इट इज़ वेरी मच नियर टू जगन्नाथ PURI टेम्पल, लाइक जस्ट 400 meters फ्रॉम. अभी हम निकल रहे हैं बाहर, एंड आई विल टेक यू देयर कि देखिए मैं क्या कितना शूट कर पाती हूँ. द थिंग इज, मैं जगन्नाथ PURI अंदर, मतलब वहाँ पहुँचने के बाद में तो शूटिंग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ स्ट्रिक्टली फोन्स, कैमराज नॉट अलाउड, तो वो तो मुझे सबमिट करना पड़ेगा. लेकिन आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम देयर आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स, ऑल द डिटेल्स आई विल शेयर विद यू. एंड उसके बाद हम जहाँ जाने वाले हैं, मे बी उसके बाद तो हम बीच में ही जाएंगे, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी. सो लेट्स कम विद मी. Yeah.
discover. It is within each other to forgive and make amends. If I am known then. अभी अभी आ गई हूँ दर्शन करके. जगन्नाथपुरी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे. पहले हम सोच रहे थे कि जो एक ध्वजारोहण होता है वो हम देखने वाले थे, और मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि वो क्या चीज़ है, क्या कंसेप्ट है उसका. सो हम गए तो हमने दर्शन किए. पहली बात तो मोबाइल एंड ऑल ले जाना अलाउ नहीं है, बट हम अपना फ़ोन के साथ लेकर गए थे तो हमने लॉकर वहाँ पे पास में ही था. सो दे आर चार्जिंग 3 rupees फॉर पर शू, सॉरी शू पेयर, 1 shoe pair एंड 5 rupees फॉर मोबाइल फोन्स. और भी जो बेल्ट वगैरह लेदर आइटम्स अलाउ नहीं है, अदरवाइज यू कैन वेयर एनीथिंग एंड यू कैन गो. सो वहाँ पे हमने वो सब सबमिट किया एंड देन उसके बाद हम मंदिर के अंदर गए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए. तो शाम के टाइम पे अगर आपको मौका मिल पाता है तो आप प्लीज़ जाके दर्शन करिए. काफ़ी अच्छे से दर्शन होते हैं बहुत पास ले जाकर. जैसे कि मैं तो पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ, बट मैं बहुत छोटी थी तब मैं आई थी मम्मी पापा के साथ में, और मेरे हस्बैंड तो है वो भी लेके आए थे अपने मम्मी पापा के साथ में, बट वो थोड़े बड़े होने के बाद आए थे तो फिर उनको याद था. वो कह रहे थे कि इतने आगे तक नहीं आने देते थे, बट अब काफ़ी आगे तक आने देते हैं. देन उसके बाद में हम गए जो भोग जहाँ पे वितरण होता है उस प्लेस पे हम गए, और वहाँ पे बहुत से वेंडर्स थे जो भोग, जो प्रसाद थे दे आर सेलिंग. सो वहाँ पे उनका कॉस्ट कुछ 50 rupees में वो कुछ कुछ आइटम्स दे रहे थे, 100 rupees में वो कुछ कुछ आइटम्स दे रहे थे. तो हमने 100 rupees का प्लेट लिया, जो कि हमने दो लोगों ने खाया, तो उन्होंने 150 करके दिया. 150 पर पर्सन नहीं, 150 टोटल इन टोटल. एंड उसमें एक मीठा पुलाव था, एक राइस था, और दो तरह का कुछ कुछ राइस था, एंड एक दालमा था, एंड एक नमकीन दाल दे आर कॉलिंग, और एक मिक्स वेज काइंड ऑफ था, एंड या साथ में खीर भी था. सो ये सारी चीज़ें, एंड एक बार लेने के बाद में दोबारा लेने की हिम्मत ही नहीं हुई, इतना पेट भर गया था ना. देखने में क्वांटिटी इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन पेट एकदम फुल हो गया था, एंड उमस बहुत ज़्यादा होने की वजह से बार बार पसीना हो जा रहा है. अभी AC को थोड़ा सा चलाती हूँ तो शायद थोड़ा सही आ जाएगा. बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है. एंड अभी हम वापस आ गए हैं, और यहाँ का जो मेन प्रसाद है, जो मैं बोलूँगी एक तरीके से ड्राई प्रसाद, उसे कहते हैं खाजा, एंड एक और होता है जिसे कहते हैं गौजा. तो वो हम लेने वाले हैं, और मतलब वो हमने ले लिया है और थोड़ा हम और लेंगे. सो वो सारी चीज़ें हम लेकर जाने वाले हैं घर पर, एंड अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे बिकॉज हमारा होटल ना बीच में है, एक साइड मंदिर है और एक साइड बीच. जो सारगत द्वार के पास जो बीच है वहाँ पे, और आप देख सकते हैं पीछे इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा. वीकेंड की वजह से जो कोलकाता के लोग हैं वो भी आ जाते हैं, तो काफ़ी 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 रश है यहाँ पे. जैसा कि आप लोग मुझे देखकर ही पता लगा पा रहे होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा थक चुकी हूँ,
बहुत ज़्यादा। थकने का ऐसा कोई रीज़न तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेदर इतना ह्यूमिड है, इतना ह्यूमिड है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सीज़न नहीं है या फिर मैं बिना सीज़न के आई हूँ। टूरिस्ट भर के हैं, आप लोगों ने देखा ना कितने टूरिस्ट है भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। बट द वेदर इज़ सो डैम हॉट, सो डैम हॉट। मतलब हवा चल रही है बट स्टिल इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, सो इट्स क्वाइट टफ फॉर अस। बट फिर भी घूमने जब आप कहीं पे जाते हो ना बहुत टाइम के बाद में, तो एक अलग ही एनर्जी आ जाता है। सो आज का ट्रिप तो मेरा यहीं पे ख़त्म हुआ। अभी रात के 9 बज रहे हैं और डिनर मैंने तो, मेरा तो चाउमीन खा के हो गया बस, और मेरे हस्बैंड कुछ तो पास में एक रेस्टोरेंट था वहाँ से पैक करा के लाया है, तो वो खा लेगा एंड देन उसके बाद में हम सो जाएंगे, क्योंकि कल हमें अर्ली मॉर्निंग उठना है और दर्शन के लिए जाना है। अराउंड मीन्स हमारा टारगेट तो ये है, हमें 5 o'clock उठना है, बट विल सी कि हम कब तक उठ पाते हैं। वैसे तो कल वीकेंड है तो कल काफ़ी ज़्यादा रश होने वाला है जगन्नाथपुरी टेम्पल में, तो हमें पूरा ट्राई करना है कि हम जल्दी उठ के जल्दी दर्शन करके आ जाए। सो या कल क्या होगा वो आपको पूरी व्लॉग part 2 में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, और व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट 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 सेकंड पार्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।